तो भाई लोग, मैं हूं काशिफ। पर आप देख रहे हैं बॉली किंग। आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म, आने वाली फिल्म दाबोल के बारे में। कई सारी अपडेट आपको देने वाला हूं। तो कई सारी वीडियो को मेरे नए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें। दोस्तों दोस्तों आप सबको तो पता है कि दोस्तों शाहरुख खान के साथ दोस्तों पहले करण जौहर आया करते थे। अब दोस्तों सलमान खान कुछ कुछ होता है के बाद 25 साल बाद देखने को मिल सकते हैं करण जौहर के साथ दोस्तों इस फिल्म को। हालांकि करण जौहर दोस्तों डायरेक्ट नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं भाई विष्णु वर्धन, जो कि दाबोल के दोस्तों डायरेक्टर साहब है। और दोस्तों करण जौहर कर रहे हैं भाई प्रोड्यूसर, सलमान खान को प्रोड्यूसर कर रहे हैं, जो कि इसका बजटों का सारा पैसा भाई करण जौहर लगाने वाले हैं दोस्तों। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। 2025 के अंदर इस फिल्म को फ्लोर पर लाया जाएगा, जो कि भाई एक तहलका मूवी होने वाली है। इस तरह की बातें बताई जा रही है दोस्तों। अब खबरें निकल के सामने ही आ रही है कि भाई सलमान खान की फिल्म में कोई भी बॉलीवुड हीरोइन नहीं होने वाली है दोस्तों, ये होने वाली है साउथ की हीरोइन है दोस्तों। एक जो स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों भाई साहब, ये होने वाली है, एक और होने वाली है दोस्तों। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि भाई बॉलीवुड के अंदर जो हीरोइन आप सोच रहे थे कि भाई दाबोल के अंदर होगी, दोस्तों दो हीरोइन होंगी, दोनों ही दोनों भाई साउथ की होने वाली है। बाकी अभी ये कन्फर्म नहीं है कि भाई कौन सी होगी, ये वाली होगी या इसके बदले कोई और होगी, लेकिन दोस्तों इस तरह की अपडेट निकल के सामने आई जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी मैंने आपको बताया कि भाई दो एक्टर होंगी, मतलब एक्ट्रेस होंगी जो कि लेडीज़, और वो साउथ की होंगी, बॉलीवुड की नहीं होने वाली दोस्तों। यानी कि इसके अंदर कई सारी कास्ट दोस्तों साउथ की देखने को मिल सकती है भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो। फिल्म की स्टोरी की बात करें भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया विष्णु वर्धन इसे डायरेक्टर साहब कर रहे हैं, और दोस्तों फिल्म की स्टोरी एक मार धाड़ एक्शन थ्रिलर के टाइप से होने वाली है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान अपने करियर की कम बैक करने वाले हैं, जो कि काफ़ी तगड़ा होने वाला है। फिलहाल दोस्तों नाम को देखकर भाई दाबोल मतलब सांड, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ताकत वाली फिल्म लग रही है। बाकी वो तो मूवी आने के बाद पता चलेगा भाई कौन कितने पानी में। टाइगर 3 से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन भाई वो उम्मीद से नहीं उतर पाई। फिलहाल दोस्तों उसमें टाइगर 3 की मूवी की, टाइगर 3 की गलती नहीं है भाई, टाइगर 3 के मालिकों की और दोस्तों सलमान खान की गलती मैं इसमें बताऊँगा, क्योंकि भाई ख़राब रिलीज डेट करना दोस्तों वो तो मालिकों के हाथ में भाई, इसमें मूवी की क्या गलती है। फिलहाल दोस्तों मुझे टाइगर 3 मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, जो कि ज़्यादा खास कमाल नहीं कर पाई दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर। हाँ इनने 450 करोड़ के आसपास इनने कमाई करी है, लेकिन दोस्तों सलमान खान के अहदे के हिसाब से कुछ भी नहीं है। फिलहाल दोस्तों आपको दाबोल के बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, नया चैनल सपोर्ट करें भाई साहब।